रैपिड जॉय की वजह से राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां भारी बारिश इस वक्त भी हो रही है। बिहार राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने पाली, सिरोही ऐसे कई इलाकों में जहां पर कई घंटों तक बारिश हो सकती है, ये अनुमान लगाया। अजमेर और टोंक में भी अगले कुछ घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कोटा, बारा, बूंदी, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक में भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना, ऐसी आशंका जाहिर की गई। छह जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर नदियां उफान पर है। तेज बारिश की वजह से सभी इलाकों में पानी भर चुका है। लोगों का रेस्क्यू भी चल रहा है, यहां तक कि अस्पतालों में, हाईवे पर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट है, यानी कि वहां पर आज और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट भी कई जिलों में, 6 जिले ऐसे हैं जहां बारिश का येलो अलर्ट है। आसमानी आफत कहर बनकर इन लोगों पे, हालांकि रेस्क्यू टीमें बहुत ज्यादा संजीदा है और वो वक्त रहते जो लोग फंसे हुए उन्हें सुरक्षित जगहों पे निकाला जा रहा है। और इस वक्त हम सीधे भवानी का अपने सहयोगी का रुख करेंगे। भवानी, अभी अगला 24 घंटा किस तरीके से गुजरने वाला है? क्या विपुल जॉय का जो खतरा है वो टला है, कमजोर हुआ है, क्या स्थिति इस वक्त है? देखिए, इस वक्त हम यहाँ पर जो कुलथाना नदी है उसमें जो गांव गिर गए वहां पर, अभी न्यूज 18 इंडिया ने बताया कि किस तरीके से पानी से गिरे हुए, उसको देखते हुए अब यहाँ पर रेस्क्यू के लिए SDRF की टीम है, उनके साथ हम जा रहे हैं और उस गांव तक जाएंगे। ये कौन सा गांव है? ये राखण गांव है सर, कुलथाना नदी के पास राखण गांव है। तो ये देखिए कि इस वक्त उस गांव तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वहां से हम लाइव रेस्क्यू बताएगा न्यूज 18 इंडिया की किस तरीके से पानी, किस तरीके से पूरा गांव पानी से गिरा हुआ है। उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए भवानी, देखिए, एक NDRF की टीम के साथ फिलहाल मौजूद है, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां पर फिलहाल जो जिंदगियां हैं वो मुसीबतों से जूझ रही हैं और ऐसे में तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। और इस वक्त एक बार फिर से रुख करेंगे भवानी का। भवानी, फिर से तस्वीरें दिखाइए। देखिए देखिए इस वक्त SDRF की टीम के साथ हम जा रहे हैं रेस्क्यू के लिए, पूरी रेस्क्यू टीम हमारे साथ में, और यहाँ पर बोट है। क्या क्या साथ अभी आपके पास में है? सर, बोट है, लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय है, सभी रेस्क्यू उपकरण हमारे साथ में है। अब तुरंत हम रेस्क्यू शुरू कर रहे हैं। कितने लोग होंगे वहाँ पर सर? अभी 40-50 आदमी फंसे हुए हैं, 5-7 ग्रोह है उसमें फंसे हुए, अभी शुरू कर रहे हैं। 25 के लगभग लोग हैं। तो अब ये यहाँ से हम कितनी दूर तक चलेंगे गाड़ी से, उसके बाद में बोट से कितनी देर बाद में जाएंगे? जस्ट पास में ही है, 100-200 मीटर आगे की तरफ से वहाँ पे बोट उतारेंगे और वहाँ से रेस्क्यू स्टार्ट करेंगे। रुको ना, गाड़ी हमारी नहीं आ पाएगी। अरे एक वो ना, उनको उसको कैमरामैन आ जाएगा। अरे रुको, रोकना, एक मिनट, कैमरामैन बुला दो। यहाँ रुको, कोई ना, गाड़ी तो आ जाएगी। बीच में नहीं, आगे लेके फिर रोकेंगे, यहाँ रोकेंगे आगे पानी के। तो राजस्थान में जून के महीने में बाढ़ का ये मंजर देखने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जिन दिनों में राजस्थान की रेत चिलचिलाती धूप में तपकर समूचे राजस्थान का पारा बढ़ा देती है, उन दिनों में ऐसी मूसलाधार बारिश का नजारा कम से कम यहाँ की मौजूदा पीढ़ी ने तो नहीं देखा था। राजस्थान में इस आसमानी आफत का जिम्मेदार है वो तूफान जिसने राजस्थान से पहले गुजरात में बेहिसाब तबाही मचाई। अरब सागर में उठा बिपोरजॉय चक्रवाती तूफान
जब भारत की ओर बढ़ा तभी खतरे की घंटी बज उठी थी। इस तूफान का सामना सबसे पहले गुजरात ने किया, अब ये तूफान राजस्थान में आफत बरसा रहा है। जून के महीने में जालोर के सांडेराव में जिस बामणी नदी का पानी तलहटी पकड़कर रेंगता है, वहाँ बिपोरजॉय तूफान ने इस इलाके में इतना पानी उड़ेल दिया कि नदी का पानी नदी के स्तर से काफी ऊंचे बने दिल्ली कांडला हाईवे से भी 5 फीट ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए और अचानक आई इस बाढ़ से हाईवे से गुजर रहे कई ट्रक फंस कर रह गए। दिल्ली अहमदाबाद हाईवे पर पाली से कुछ आगे सांडेराव, ये सिरोही से पहले का, यहाँ पर आप देखिए कि ये बिरामी नदी यहाँ पर इस वक्त ओवरफ्लो हो रही है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी लोग फंस गए जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया। सामने देख सकते हैं कि नदी के बीच में ट्रक फंस गई है। हाईवे, मेन हाईवे जो कांडला पोर्ट को कनेक्ट करता है दिल्ली से, इसलिए काफी पूरे हाईवे पर इस वक्त ट्रक काफी बड़ी संख्या के अंदर जाम है। सामने देखिए कि ट्रक बीच में फंसे हुए हैं वहां पर। इस बाढ़ में कुल 11 ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के साथ फंस गए। इन ट्रक ड्राइवरों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मझधार से निकलेंगे कैसे। तभी सेना के जवान देवदूत बनकर वहां आ गए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी ट्रक ड्राइवरों को बचा लिया। उनको यहां पर बचाया गया। आपने निकाला था, कितने लोग थे? जैन सर, फर्स्ट वाले ट्रक में दो बंदे थे, उसके बाद सेकंड में 3 थे और थर्ड वाले में 1 था, फोर्थ वाले में 3 जवान थे। तो मैं सर आपको मेरा परिचय कराना चाहूँगा। मैं हवलदार मुरुमकर 117 इंजीनियर। हम लोग जोधपुर से आए थे रेस्क्यू करने के लिए। हम आगे जाने वाले थे लेकिन किसी कारणवश जा नहीं पाए, तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सिविल जनता फंसी हुई है। तो हमने हमारे तरफ से पूरी कोशिश की और उनको हम साचौर जा रहे थे आगे, लेकिन इस वजह जा नहीं पाए। अब कहाँ से निकलेंगे आप आगे? आगे यहाँ से सर अभी पानी कम होने के बाद पानी कम होने का इंतजार करना होगा। हाँ, कल जाएंगे हम यहाँ से। ये बड़ी बात है। आपने भी अब किस तरीके से बताया, रेस्क्यू किया किस तरीके से? हमने रेस्क्यू किया, एक सिविल का ट्रैक्टर था। हाँ। एक ट्रैक्टर था और उसके पीछे हमारी रिकवरी की एक गाड़ी थी। हाँ। और उसके पीछे सिविल की भी थी रिकवरी गाड़ी, उसके साथ हमने आगे आगे जाकर रास्ता फेंक के उनको बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए ट्रक ड्राइवरों ने राहत की सांस ली और सेना के जवानों को शुक्रिया कहा। एक ट्रक ड्राइवर ने तो यहाँ तक कहा कि सेना सही वक्त पर देवदूत बनकर आई, अगर सेना नहीं आती तो वो शायद जिंदा नहीं बचते। आपका ट्रक आपके सामने तक खड़ा हुआ? दूध वाला। अच्छा, दूध वाला। क्या कर रहे थे, कितने बजे आए आप? 12 बजे आए थे। तो 12 बजे से अब तक फंसे हुए थे आप नदी के बीच में, तो बड़ा खतरा था आपका नदी के बीच में नजर आ रहा है। हमारी तो जान ही निकली जा रही है भाई, नहीं आते तो हम तो बचते भी नहीं। तो ये इनके लिए इनको शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए, उन्होंने बताया आपको? बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे इनका। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। आप भी फंसे? हम नरेश कुमार, मेरा नाम है। हम पाली जिले के हैं, हम यहाँ फंस गए आके। हम पत्रकार का काम करते हैं लेकिन अभी हम कहाँ करते हैं, गांव जा नहीं सकते, आगे जाने को रास्ता नहीं है। ट्रक फंसा हुआ है? अभी 1 घंटा ट्रक नहीं फंसा हुआ है, हम पैदल आए, पैदल से जा रहे हैं। जालौर में जो पानी जान पर बनाया था वही पानी राजस्थान के नाथद्वारा में लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ले आया। भारी बारिश से बाघेरी का नाका बांध ओवरफ्लो हो गया। 32.8 फीट क्षमता वाला बांध ओवरफ्लो हो गया। जून महीने में पहली बार बाघेरी का नाका बांध छलक उठा। इसकी वजह उदयपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में हुई बारिश को बताया जा रहा है। बाघेरी बांध जिले के करीब 300 गांवों की प्यास बुझाता है, इसलिए लोग आफत की इस बारिश में भी खुश दिखाई दिए। तो राजस्थान में आफत वाली बारिश जो है वो लगातार जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई जगहों पर पानी ने कब्जा कर लिया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और इसी बीच मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। आइए इस वक्त हम मैप के जरिए आपको बताते हैं कि किन किन जिलों के लिए रेड अलर्ट येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो आपको बता दें कि रेड अलर्ट की बात सबसे पहले हम करेंगे, मोनिका बताएंगे आपको कि रेड अलर्ट कहां कहां जारी किया गया। तो देखिए, रेड अलर्ट हम बता रहे हैं जहां पर भारी से भारी बारिश होगी। टोंक, बूंदी, ये ऐसे तमाम इलाके, पाली, ऐसे तमाम इलाके जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, यानी सवाई जगहों पर तेज बारिश होगी। बारिश की जो चेतावनी जारी की गई है इन सभी जगहों पर राजस्थान, क्योंकि आप पूरा ये रेड कलर में देख रहे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, यानी हालात बदतर हो सकते हैं। सवाई माधोपुर भी एक नाम है और इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट यानी थोड़ा कम खतरा रेड की तुलना में राजस्थान का वो कौन कौन सा जिला है वो इस वक्त हम फोकस करेंगे। राजस्थान का मैप इस वक्त आपके सामने है। कोटा में हालांकि आए दिन बारिश होती है, वो उन जगहों, उन जिलों में से नहीं है
जहां पे बहुत ज्यादा चुनौती हो, लेकिन इस बार वक्त से पहले, मानसून से पहले विपुल जॉय का खतरा दौसा, करौली और बारा तक पहुंचा हुआ है। तो ऑरेंज अलर्ट इन तमाम इलाकों में जारी किया गया है जहां पर भारी बारिश हो सकती है। अब येलो अलर्ट कहां कहां पर जारी किया गया है ये भी आपको हम ग्राफिकली बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, येलो अलर्ट यानी कि हल्की बारिश होगी रेड और ऑरेंज की तुलना में। अब राजस्थान में कौन कौन सी वो जगह है, कौन से वो इलाके हैं, कौन से वो जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसमें नाम है देखिए अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा और इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ और धौलपुर, और इसके साथ ही झालावाड़ का नाम भी इसमें शामिल है। यानी ये वो जिले हैं जहां पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो हमने आपको मैप के जरिए समझाया कि कौन से वो जिले जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी जिसके लिए रेड अलर्ट है, उससे कम बारिश वाली जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट और सबसे कम बारिश के लिए येलो अलर्ट। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से राजस्थान के कई इलाकों में अब अलर्ट जारी किया गया है, कहीं येलो अलर्ट तो कहीं रेड अलर्ट, हम सांचौर के इलाके में और यहाँ पर देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। अभी भी गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत, लेकिन ये तब है जब पानी का स्तर कम हो रहा है, लेवल नीचे आ रहा है। और दूर तक अगर हमारे नजर दौड़ाएंगे तो हम देखते हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी नरेंद्र दिखाएंगे, गाड़ियों की कतार लगी हुई है, सामान उसमें लदा हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 दिनों से यहाँ पर तो बिजली ही नहीं है और इसीलिए कई जगह खाने पीने की चीजों की दिक्कत हो रही है। पानी भी अब उचित मात्रा में लोगों के पास में नहीं है, साफ पीने का पानी, और इसीलिए भी कई बड़ी दिक्कतें हो रही है। और ये बात सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही है। विपुल जॉय की वजह से अब दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है, दिल्ली में, चेन्नई में, नोएडा में, इसके अलावा राजस्थान के कई और ऐसे इलाके हैं जो लगातार इसी तरह से विपुल जॉय के बाद प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि विपुल जॉय ने गुजरात में जिस तरह से दिक्कत पैदा करने की कोशिश की, उसके बाद राजस्थान में अब इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और देश के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो या फिर दक्षिण के प्रदेश। पाली में हमारे सहयोगी इस वक्त भवानी सिंह सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। भवानी, पाली में जहां पर आपकी मौजूदगी है, किस तरह के हालात वहां पर हैं? देखिए, पहले मैं हालात बताता हूँ। रेस्क्यू टीम के साथ हम हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम रेस्क्यू बताएगी कि किस तरीके से अभी इस वक्त जहाँ से पानी से गिरे हुए गांव वहाँ तक टीम पहुँचने की कोशिश करी। ये कुलथाना है, आप देखिए कि मेरे दोनों तरफ पानी है। ये कुलथाना का आप देखिए कि यहाँ पर आपको नजर आएगा माइलस्टोन, और उसके बाद में आप देखिए कि जहाँ देखेंगे वहाँ पानी पानी, आगे पानी है। और ये बहाव क्षेत्र है जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहाव क्षेत्र है, दोनों तरफ देखेंगे जहाँ देखेंगे आपको पानी है। इस पानी के अंदर अभी जहां पर रेस्क्यू टीम जा रही है, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने के लिए, वो ये जो लाखाना गांव के एक इलाका है जहां भीलों की ढाणी, उस जगह पर जाएगी, वहां से लोगों को रेस्क्यू करेगी। उसके बाद में और कितने लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा ये देखा जाएगा। आप देखिए कि रेस्क्यू टीम इस वक्त तैयारी कर रही है, बोट तैयार हो चुकी है, लाइफ जैकेट तैयार किए जा चुके हैं। और ये आप देखिए कि हमारे साथ उदय सिंह जी हैं। उदय सिंह जी, आप भी आइए थोड़े से। उदय सिंह जी यहाँ लोकल SHO हैं, आप बताइए सर, आप अब तैयारी है रेस्क्यू करने जा रही है? ये भीलों की डानी में लगभग जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार 60-65 आदमी अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई खतरा के नहीं है, क्योंकि वो अपने जो जहाँ पे रह रहे हैं वो काफी हाइट में है और उसके चारों तरफ पानी है। देखिए कि आप टापू के अंदर है फंसे हुए, अब आप देखिए कि बोट इस वक्त आप यहाँ पर अंदर बोट डाली जा रही है और लाइफ जैकेट आप पहने हुए हैं, क्या क्या एहतियात के साथ जा रहे हैं आप? लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और रसा बिल्ली, ये सामान लेकर के हम यहाँ से टीम को भेज रहे हैं और वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर ले जाएंगे, रेस्क्यू करके लेकर आएंगे। हुक्म, कितने लोग हैं टोटल वहाँ? 30-40 लोग बता रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये पानी कितना गहरा होगा आगे, कुछ अंदाजा है? अंदाजा कुछ नहीं है, ग्रामीण वाले बता रहे हैं पानी कहीं 5 फुट है, कहीं 4 फुट है, कहीं 6 फुट, कहीं अलग अलग जगह पर अलग है। और ये तो नदी का बहाव क्षेत्र है, नदी में तो बहुत ज्यादा पानी है। पानी तो ऐसा बोट से चले जाएंगे, ज्यादा बहाव नहीं है इतना, तो आप उम्मीद है कि बोट से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कितना दूर होगी यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं? यहाँ से लगभग साहब आधा पूर्ण किलोमीटर बता रहे हैं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लगभग, 1 किलोमीटर के समथिंग। ये सामने की तरफ जो पहाड़ नजर आ रहा है इसके पास, ये देखिए कि यहाँ पर जहाँ रेस्क्यू के लिए जो टीम जा रही है, वो सामने आपको जो पहाड़ नजर आ रहा है, इसके आसपास में कोई गांव है नीचे जो चारों तरफ से पानी से गिरा हुआ टापू बन चुका है, वहाँ किस स्थिति में है, जब टीम वहाँ पहुंचेगी तब पता लगेगा। हम पल पल की न्यूज 18 इंडिया आपको जानकारी देगा, हम बताएंगे कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षित हिफाजत से लाने की कोशिश की जा रही है।
ये पाली के अंदर, पाली और जालौर के एरिया के अंदर यहाँ पर ये कुलथरा नदी है, जहाँ पर ये नदी है कुलथरा नदी जो बड़ा है, और उसके बहाव क्षेत्र में, क्योंकि नदी एक जगह बह रही है लेकिन उसका बहाव क्षेत्र का पानी काफ़ी लंबा है अलग अलग इलाकों में, और यह कई सारे ऐसे गांव हैं जो टापू बन चुके हैं, लेकिन ये जहां पर रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं वहां पर लग रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से फंस गए हैं। पहले उनको रेस्क्यू किया जाएगा, उसके बाद में देखा जाएगा। ठीक है।